Redmi Note 5 Pro का ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है मेरे टेक ऑफिस के चैनल पे, क्योंकि मैंने जो कुछ टाइम पहले टू गुड से बाय किया था और उसकी अनबॉक्सिंग भी मैंने आपको दी थी किस टाइप का टू गुड का प्रोडक्ट हमें मिलता है, और मैंने बूटलोडर अनलॉक कर लिया। और आप सभी के लिए जो मैं फर्स्ट रोम लेके आया हूँ MIUI Pro का, जो कि लेटेस्ट है 20.1.2। तो आज के बाद जितने भी अपडेट्स आएंगे Redmi Note 7 5 Pro के लिए, उन सभी का वीडियो आपको जो मिलता रहेगा और फुल सपोर्ट भी मिलता रहेगा। तो गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच करो Redmi Note 5 Pro की, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आते थम्स अप जरूर दें, क्योंकि अब एवरी डे आपको जो वीडियो कंटिन्यू देखने को मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस MIUI Pro में क्या कुछ नया चेंज देखने को मिलता है और कैसा है इसका परफॉर्मेंस। जम करके आ चुके हैं इसके अबाउट यू सेशन पे, जहां पर आपको देखने को मिलता है डिवाइस का मॉडल नेम Redmi Note 5 Pro और MIUI 11 का ये प्रो वर्जन है, जो कि बीटा का 20.1.2 है। एंड्रॉइड 9.0 का सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ 2021.5 का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलता है। मैं 4G वाला वर्जन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। फ्लिप प्लस का यहाँ पे कर्नेल दिया गया है। तो इस लेटेस्ट बिल्ड जो कि 20.1.2 है, इसके अनुसार क्या कुछ नया चेंज देखने को मिलता है वो मैं आपको करने वाला हूँ, और थोड़े बहुत ओल्ड वाले फीचर्स, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है तो थोड़ा डिटेलिंग के साथ होगा, और नेक्स्ट टाइम से जो भी अपडेट्स आएंगे तो सिर्फ अपडेट के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे आप बात हो कनेक्टिंग एंड शेयरिंग पे, तो आपको देखने को मिलता है प्राइवेट DNS और बाकी MIUI Pro वाले जो स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं नेटवर्क से रिलेटेड, वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे लॉक स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस जो कि कॉमन है, जो कि हमेशा MIUI Pro में आपको देखने को मिलते ही रहते हैं। तो इसे इग्नोर करते हुए चलते हैं हम डिस्प्ले के सेटिंग्स पे। रीडिंग मोड और डार्क मोड लेटेस्ट मिल जाता है। डार्क मोड में दो नए फीचर्स ऐड हो गए हैं, जैसे कि अगर आप पहले डार्क मोड को इनेबल करते थे तो हमारा सिक्योरिटी ऐप जो डार्क नहीं होता था, बट फिर डार्क होना शुरू हुआ तो हमारा क्लीनर है जो डार्क में चेंज नहीं होता था। तो इन सभी को है जो सपोर्ट करा दिया गया है, अब आपका जो फुल्ली डार्क है जो सपोर्ट करने लग गया है सिक्योरिटी ऐप। उसके अगर हम सेटिंग की ओर आते हैं और अपने MI अकाउंट के क्लाउड पे जाते हैं, तो ये भी है जो हमारे डार्क को सपोर्ट नहीं करता था, तो लेटेस्ट अपडेटेड में है जो इसे फिक्स किया गया है। तो अब आपका जो सिस्टम वाइज फुल्ली डार्क सपोर्ट करने लग गया है, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनता है, क्योंकि अगर सिस्टम के ऐप से डार्क सपोर्ट ना करें तो भाई मजा थोड़ी ना आएगा डार्क यूज करने का। तो अब ये शेड्यूल है जो फिक्स हो गया है, जो कि काफी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन के एनिमेशन वगैरह देखने को मिल जाते हैं, लिस्ट के एनिमेशन मिलते हैं कैसा आपको रखना है। उसके बाद बार डिस्प्ले टाइमिंग आप सेट कर सकते हो। स्टेटस बार में फुल कस्टमाइजेशन आपको मिलता है, चाहे वो नोटिफिकेशन का हो, कलर का हो, स्पीड मीटर का हो, या कैरियर लेवल का हो, या बैटरी परसेंटेज हो, साथ ही साथ रो एंड कॉल्यूम भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो किस तरीके से ये शो होना चाहिए, तो आप इसे इस तरीके से मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके का ये शो होने लग जाता है। उसके बाद वेदर, क्लॉक और बैटरी परसेंटेज का फॉन्ट कितना बड़ा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, वो भी आप मैनेज कर पाओगे। अपने स्टेटस बार के जो आइकन है उसे भी आप iOS न्यू या iOS भी स्टाइल में सेट कर सकते हो, जो कि फुल्ली काम करता है। बाकी यहाँ पे नॉर्मल से काफी ओल्ड वाले फीचर्स मिल जाते हैं, जहाँ पे 2G 4G Wi-Fi LTE ये सारी चीजों को चेंजिंग कर सकते हो। आप स्टेटस बार में VPN को, ब्लूटूथ को, GPS अलार्म आइकन जो भी है उन सबको चाहो तो आप हाइड कर पाओगे। तो काफी अच्छा फीचर्स मिलता है, जो कि लंबे टाइम से मिलता हुआ आ रहा है। आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे PIP मोड, ये थोड़ा लेटेस्ट है, ज्यादा लेटेस्ट नहीं है बट थोड़ा बहुत लेटेस्ट है, ये भी दे दिया गया है। जहाँ पे आप PIP मोड को कंट्रोल कर पाओगे, जैसे कि मीडियम या लार्ज रखना है, ये चीज आपको यहाँ पे मिलती है। साउंड के प्रोफाइल में एक काफी कमाल का चीज मिलता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ MIUI Pro प्रोवाइड कर रहा है और बाकी अदर रोम नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो है इनकमिंग कॉलिंग के लिए वीडियो क्लिप का सेट करना, क्योंकि अदर पे ये फीचर्स डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पे काम करता है। बट अगर आप यहाँ पे कोई भी क्लिप डाउनलोड करते हो तो आप इनकमिंग कॉल के लिए सेट कर पाओगे। जब इनकमिंग कॉल आएगा तो जो भी आप वीडियो क्लिप सेट करोगे वो आपको रन करते हुए नजर आएगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब वॉल्यूम पैनल को लेफ्ट रखना है या राइट रखना है वो भी आप मैनेज कर पाओगे, साथ ही साथ कितना टाइमिंग ये शो होगा वो भी। आगे नोटिफिकेशन के अंदर लेटेस्ट वाला फीचर्स मिल जाता है, जो कि है नोटिफिकेशन व्यू, रिप्लाई और अनरीड मैसेज। अगर आप अपने फोन को लॉक करते हो और जब यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन वगैरह अपेयर होता है तो आप डायरेक्टली उसे रीड कर पाओगे, रिप्लाई भी कर पाओगे, और आपको अनलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफी कमाल का और इंटरेस्टिंग फीचर है, लेकिन बहुत सारे यूजर्स कहेंगे कि भाई मेरा जो प्राइवेसी वॉइड हो जाएगा, मैं ज्यादा सिक्योर रखता हूँ फोन को, तो उनके लिए थोड़ा सा नुकसान बन सकता है, क्योंकि कोई भी यूजर से मैसेज को देख पाएगा, रिप्लाई कर पाएगा। तो अगर आप वैसे ही सिक्योर वाले यूजर्स हो तो इन्हें आप हाइड कर दो, ऐसे काफी हेल्पफुल है और काफी मजा आता है यूज करने में, अगर आप उतना सिक्योर नहीं रखते हो फोन को। तो यहाँ पे होम स्क्रीन पे आते हैं तो आप है जो यहाँ पे डिफॉल्ट असिस्टेंट को सेट कर सकते हो, MIUI का रखना है या फिर गूगल का रखना है। उसके बाद हाइड कर सकते हो कैप्शन वगैरह को, शैडो इनेबल कर सकते हो, साथ ही एक छोटा सा एनिमेशन है जो शॉर्टकट, उसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। अगर आप इसे डिसेबल करोगे उसके बाद अपने होम स्क्रीन पे आते हो और जब भी कोई आइकन पर टाइप करोगे तो उसका एनिमेशन बिल्कुल ही डिसेबल हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे जो
ऑफ करके अपने आइकन पर टैप करोगे तो आपको आइकन हल्का सा डीप स्मॉल होता हुआ नजर आएगा कुछ इस तरीके से। तो ये नया एनिमेशन आप चाहो तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे जो गूगल का सर्च बार या एंडिक्स रखना है और सर्च बार इनेबल रखना है या नहीं वो आप कर सकते हो। तो इनेबल करते हैं आपको सबसे नीचे देखने को मिल जाएगा सर्च बार, जो कि मैनुअली हम करना चाहें तो नहीं होता है। तो यहाँ पे ये सेटिंग्स दिया गया है, बाकी ये काफ़ी ओल्ड वाले फीचर्स मिलते हैं। स्टैंडर्ड्स पे आते हैं तो आपको ऐप ड्रॉअर वगैरह मिल जाता है, फिल सेक इम्पर्टी फिल मिल जाते हैं और बाकी वही कॉमन वाले फीचर्स मिलते हैं जो कि काफ़ी पुराने हो चुके हैं। थीम वॉल पे ये सारी चीज़ें वर्किंग है, आपका फिंगरप्रिंट फेस अनलॉकिंग वाइब्रेट वेन अनलॉकिंग भी वर्किंग है, जीपीएस भी आपका जो वर्किंग है तो आप फुल बेनिफिट ले पाओगे। लेकिन ये चाइना रोम बेस्ड है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अपने मैप के ऊपर, तब जाके आपका जीपीएस जो एक्टिव हो जाएगा सही लोकेशन शो करेगा। वहीं पे यहाँ पे आपको लो बैटरी नोटिफिकेशन और वार्निंग देखने को मिल जाता है, पावर रखना है या फिर बैलेंस रखना है ये भी आप सेट कर सकते हो। पावर यूजेज पे हम आते हैं तो ज़्यादा तो मैंने यूज नहीं किया है लेकिन स्टैंड बाय बैटरी डिटेल मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है, ओनली 2% का बैटरी डिटेल देखने को मिला है। वहीं पर अगर हम ऐप्स लॉक पे आते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो प्ले होता है हल्का सा, वो यहाँ पे प्ले नहीं हो पा रहा है, छोटी सी कमी है। लेकिन अगर आप इसे टर्न ऑन करते हो तो यहाँ पे कुछ नया एडवांस देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट फीचर्स है। तो अगर यहाँ पे ऐड करते हो अपने EMI अकाउंट को फेस अनलॉक हो तो आप देखोगे एक लॉक ऑल का बटन देखने को मिलता है। तो ये खुद से कुछ सिलेक्टेड ऐप्स को डिसाइड कर लेता है कि किन्हें आपको जब लॉक करना है किन्हें नहीं। तो आप जैसे इस पर टैप करोगे ये ऐप को लॉक कर देगा और वन टैप पे अनलॉक कर देगा। यहाँ पे कुछ ही ऐप को ये लॉक करता है, बाकी को आप मैनुअली लॉक कर सकते हो। तो नया फीचर्स आपको देखने को मिलता है। हिडन वाला काफ़ी पुराना हो चुका है, अब मैं फिलहाल इसे ऑफ कर देता हूँ, अदरवाइज बार बार प्रॉब्लम आएगी। अब आगे बढ़ते हैं नए चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो आते हैं एडिशनल के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है। लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो बहुत कम लैंग्वेज है क्योंकि ये चाइना रोम बेस्ड है, तो काफ़ी कम लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर आपका फेवरेट लैंग्वेज यहाँ पे है तो अच्छी बात है, अदरवाइज भाई क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज सपोर्ट कम दिए जाते हैं। उससे किक वॉल वगैरह सब कुछ कॉमन है। स्क्रीन ऑन टाइमिंग बिल्कुल ही लेटेस्ट मिलता है। यहाँ पे आइकन थोड़े से मॉडिफाइड किए गए हैं। फोकस मोड में आपको 1 मिनट का ट्रायल भी देखने को मिल जाता है। बैक की ओर चलते हैं तो ये सारे फीचर्स जो कि शुरू से मिलते हुए आए हैं चाइना वाले बेस्ड रोम पे तो मिल जाता है। अब हम बात करने वाले हैं बिल्कुल ही लेटेस्ट बिल्ड 20.1.2 के चेंजों के हिसाब से। तो फर्स्ट चेंज आया है हमारे फाइल मेजर के अंदर। अगर आप फाइल मेजर ओपन करते हो तो ये काफी क्विकली आपके नए फाइल्स को शो करके दिखा देगा। पहले ये काफी ज्यादा टाइम लेता था रिफ्रेश होने में, तो इसे काफी क्विक और फास्ट किया गया है। सेकेंड चेंज, अगर आप आते हो कॉन्टेक्ट के अंदर अपने ये जो ABCD वाला लाइन है इसे ड्रॉ करोगे सेलेक्ट करके तो इसमें नया एनिमेशन आपको देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट वाला है। तो ये चीज आपको मिल जाती है। उसके बाद आपको मिलता है अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर। आप लॉक स्क्रीन के ऊपर आते हो, पासवर्ड को जिससे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे काफी ज्यादा राउंड कर दिया गया है जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो इस चेंज लॉक के हिसाब से जो चेंजिंग आपको देखने को मिलता है अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगर आपको वॉलपेपर पसंद आ रहा है बैकग्राउंड का तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, आप देख सकते हो वाईफाई का, जब भी हम कोई मॉडर्न रोम यूज करते हैं और वाईफाई यूज करते हैं तो कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं होता है, हमेशा वेटिंग फॉर वाईफाई लिखा हुआ आता है। तो इसे फिक्स करने के लिए आपको इस वाईफाई के आइकन पर टैप करना है और जिस वाईफाई से आप कनेक्टेड हो उसके सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। नीचे की ओर आना है, यहाँ पे दिखाई देगा आपको DHCP, इसे टैप करके स्टैटिक सेलेक्ट करना है और टिक कर देना है यानी सेव कर देना है। उसके बाद आपके जो वाईफाई से डाउनलोडिंग है जो शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप वेटिंग फॉर वाईफाई के प्रॉब्लम को जो फिक्स कर पाओगे अगर आप कोई भी मोड वगैरह यूज कर रहे हो तो। गूगल पे बैंकिंग ऐप अच्छे से काम कर रहा है। अगर हम अनटूटू की बात करें तो अनटूटू का स्कोर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, तो गेमिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा जो बेनिफिट है जो यहाँ पे मिलने वाला है जो कि मुझे बिल्कुल ही लेटेस्ट गेम ट्रोलों की बात करें तो सिर्फ उसी में हमें MIUI प्रोवाइड करता है हर एक आइकन का नेम, बाकी अदर पे हमें सिर्फ नेम नहीं मिलता है बाकी सब कुछ मिलता है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे टर्न ऑफ स्क्रीन है, कार से स्विच सिम है, WLAN है, DND है, यहाँ पे मैसेजिंग सेटिंग और बाकी चीज़ें देखने को मिल जाती है जो कि बाकी अदर पे हमें लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो गेम ट्रोल भी बिल्कुल ही आपको लेटेस्ट वाला मिल जाता है, पहले से प्रीरिकॉर्डेड है। आप लेटेस्ट वाला कैमरा यहाँ पे यूज कर सकते हो, GCam का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। इसका डिफॉल्ट कैमरे में 4K का आपको रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है। अगर आप ट्रिपल डॉट पे आते हो और नीचे की ओर स्विच ड्रॉ करते हो तो 4K 30fps का सपोर्ट आपको मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे पॉइंट है। अगर हम आते हैं टाइमिंग की ओर तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आपको देखने को मिलता है जो कि बेड टाइम का है, जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट है, मैंने बहुत टाइम पहले बताया था। तो आप यहाँ पे बेड टाइम है जो सेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये इतने से इतने टाइम पे आपका जो DND में चला जाएगा, आपके नोटिफिकेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सुबह 6 AM या जो भी आप वेकअप टाइम सेट करते हो उतने समय ये अलार्म सेट करके आपको जो
जगा देगा भाई, उठ जाओ काम पे लग जाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। वहीं पे ट्रिपल डॉट पे आते हैं, सेटिंग की ओर जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम, तो आप देख पाओगे कि स्मूथ के अंदर दो स्केल देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल भी आप देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अनदर चेंज की। तो नेक्स्ट चेंज हल्का सा हमें देखने को मिलता है सिक्योरिटी का जो हेल्थ ऐप है इसके अंदर, जहाँ पे इसके कलर हल्के से डीप किए गए हैं और इसे बिल्कुल ही अपडेटेड किया गया है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हेल्थ ऐप में नहीं आएगा और काफ़ी ज़्यादा बेटर फिनिशिंग आपको जो दिखाई देता है। और इस रोम की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और काफ़ी अच्छा है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कि कैसे इसे डाउनलोड करना है। और गाइज आज के बाद आपको इवरी रोम्स की डिटेल मिलने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पर, वाइडेड की वीडियो वॉच कर रहे हो रेडमी नोट 5 प्रो की, तो बस वीडियो को लाइक करना है पसंद आता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हर वीडियो आप वॉच कर पाओ, जैसे कि मैं रेडमी नोट 4 और बाकी अदर पोको F1 K20 ये सारी चीज़ों का देता हूँ। तो स्टे ट्यून करें और मेरे साथ बने रहें। एक्स्ट्रा हेल्प के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास और दमदार लेकर आप सभी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।